हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। डिवीजन ऑफ ए फ्रैक्शन बाय ए नंबर। इस वीडियो में हम यह सीखेंगे कि कैसे एक फ्रैक्शन को एक नंबर से डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ हमने दो क्वेश्चन लिया है, इसे हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। 12/13 डिवाइड का चिन्ह दे देंगे और 9 के नीचे वाले पार्ट डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हम 1 अपने मन से यहाँ अंकित कर देंगे। अगले स्टेप में 12/13 डिवाइड का अपोजिट होता है मल्टीप्लाई, उसका हम यहाँ साइन दे देंगे और 1 ऊपर चल जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा इस तरह से। अब 3 से कट जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा और 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 हो जाएगा। इस तरह से 4/39 ये आंसर प्राप्त होता है। दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं 11/4/55। 11/4 हो जाएगा, डिवाइड का साइन देंगे और 55 के नीचे हम 1 अंकित करेंगे अपने मन से। अगले स्टेप में 11/4 डिवाइड का अपोजिट हो जाएगा मल्टीप्लाई, उसका साइन देंगे, 1 ऊपर चला जाएगा और 55 नीचे आ जाएगा। अब 11 से 55 कट जाएगा, 11 1 जा 11, 11 5 जा 55। अब हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा, 1/20 ये आंसर प्राप्त होता है। इस तरह से हमने इस वीडियो में यह सीखा कि कैसे एक फ्रैक्शन को एक नंबर से डिवाइड किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो आप ऐसे ही और वीडियोज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।